हेलो शेजाने शालों से हाजिर आपके लिए एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माइनक्राफ्ट में साइन इन कैसे किया जाए। ये सेटिंग्स, अब आप लोगों को जाना होगा यहाँ पे प्रोफाइल्स पे, नीचे नीचे। और अब आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन, अगर आपका ये फाइल स्टोरेज एप्लीकेशन पे है तो आप लोगों को ये एक्सटर्नल पे कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल पे अगर आप करेंगे तो आपका माइनक्राफ्ट का कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होगा, मतलब आपकी सारी वर्ल्ड्स वैसे की वैसे ही आएंगी। तो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को हटाना है और आप लोगों को माइनक्राफ्ट डिलीट मारना है। डिलीट मींस डिलीट। तो अब हम सबसे पहले माइनक्राफ्ट डिलीट मार दें, एक्सटर्नल पे करके मारना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अनइंस्टॉल, ओके। सो अब ये अनइंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल में एक्सबॉक्स डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाकर एक्सबॉक्स, तो मेरे मोबाइल में ये डाउनलोडेड है। तो आपको भी इसमें डाउनलोड करना है और साइन इन कर लेना है। उसके बाद साइन इन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्रोम पे आना है, क्रोम पे, और यहाँ पे लिखना है एसी मार्केट। सो अब एसी मार्केट लिखने के बाद जो सबसे पहली लिंक दिख रही है आपको यहाँ पे, ये इस पे दबाना है और यहाँ से आपको एसी मार्केट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एसी मार्केट खोलना है। एसी मार्केट खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पे माइनक्राफ्ट लिखना है, माइनक्राफ्ट खोलने के बाद आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन पे दबाना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल है पहले से ही, तो आप लोगों को भी इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोगों का इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो पहले थ्री डॉट पे दबा के डाउनलोड एपीके फाइल ओनली वीआर सीडीएन दबाना। फिर जब इंस्टॉल शुरू हो जाए तब आप लोग ये जो डाउनलोड का साइन दिख रहा है ना, ये वाला, उस पर क्लिक कर देना। तो अब ये डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, आप लोगों को अभी एक और एक ऐप डाउनलोड करनी है। उसका नाम है, प्ले स्टोर पे आना है, सर्च फॉर जेड आर्चिव। ये रहा, तो जेड आर्चिव मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है जेड आर्चिव, और फिर जेड आर्चिव को ओपन करना है। डाउनलोड्स में जाना है और यहाँ पे माइनक्राफ्ट को सर्च करना है। माइनक्राफ्ट, ये रहा, मिल गया माइनक्राफ्ट। अब आप लोगों को माइनक्राफ्ट ओपन कर, माइनक्राफ्ट में जाना है और ओपन पे दबाना है। फिर ये अभी मैं पैकेज इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, ये देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे acmarket.net माइनक्राफ्ट लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको वापस acmarket पर जाके डाउनलोड पर क्लिक करना है। ऐप इंस्टॉल्ड। अब आप लोगों को क्या करना है, इसे ओपन करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ, पता है मुझे, थोड़ा सा समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो माफ़ कर देना। ओके, टर्न ऑफ स्क्रीन रीडर, लीव ऑन, साइन इन फॉर फ्री, साइन इन विद योर माइनक्राफ्ट सॉफ्ट। अब आपकी आंखें, मतलब अब आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे हुआ ये, हाउ कैन दिस पॉसिबल। ये देखिए, जहाँ तक वो साइन इन नहीं हो रहा था, अब वो सीधा साइन इन हो गया, बल्कि हम लोगों ने तो आ गया। अब देख लीजिए, अब आप, अब मैं ये ले लूँ, मैं आप लोगों को ये ईमेल जीमेल आईडी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सम ऑफ रीजंस, मतलब कुछ ऐसे रीजंस की वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। सो मैंने पासवर्ड भी लिख लिया है, अब हम लोग साइन इन करेंगे। अब ये साइन इन होने में बहुत टाइम लगाएगा, मतलब बहुत। कनेक्टिंग टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट,
बस कुछ ही देर बाकी है, होने ही वाला है वही सब। डालो, हो गया। चलो हम लोग का साइन इन हो गया। ये देखिए एक्सबॉक्स लाइव, अगर आपने एक्सबॉक्स पे साइन इन किए होंगे ना तभी आपका ये साइन इन होगा, वरना ऐसे ही नहीं होगा आपका। लेट्स प्ले। अब तब तक एक आध घंटे कनेक्टिंग में लगाएगा वो। सो हो गया अब हमारा, मतलब कनेक्ट हो गया हमारा। एक सेकेंड, ये तो हमारी स्किन नहीं थी। प्रोफाइल में जाकर स्किन चेक करते हैं। कुछ भी लोड ही नहीं है भाई, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, एरर। लेकिन अब ये देखिए आपके सारे अचीवमेंट्स आ चुके हैं। ये देखिए मैंने तो इतने ही कंप्लीट किए हैं अचीवमेंट्स, डायमंड्स, एक्यूर हेलमेट, ये सारे। और ये रही हमारा, हमारी स्किन आ गई। चलो, और हाँ अब आपको अपनी सारी वर्ड्स वापस लानी है तो अब आपको बस ये एक्सटर्नल पे कर देना होगा। हला बस आ गई आपकी सारी वर्ड्स। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों का साइन इन नहीं होता है वैसे तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये माइन हटाना है। अगर माइनक्राफ्ट साइन इन नहीं हो रहा है तो आप लोगों को अब हटाना है, और अब आप लोगों को वापस से क्रोम पे आना है, और अब यहाँ पे लिखना है अकाउंट डॉट लाइव डॉट कॉम, अकाउंट डॉट लाइव डॉट कॉम गो। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। मैं तो साइन इन हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको आप लोगों का कुछ और आएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सबॉक्स पे साइन इन हो तो क्रिएट और अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल देंगे तो भी हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे आप लोगों को जाके साइन इन करना है, क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला अकाउंट है ये हर मतलब आप माइनक्राफ्ट खोलोगे ना सीधा साइन इन पे लगाओगे हो जाएगा साइन इन आपका। तो फिर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना, और साइड वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।